status of democracy in pakistan pakistan is among those nation states which has acquired independence from british colonial uh, in the 20, 20th century and since the inception of pakistan in 1947 it has tried to establish a proper representative democratic government and

पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती जिसके ऊपर कंसेंसिस होता फिर उसके साथ साथ बहुत सारे जो मसाइल थे उनकी बुनियाद ये भी थी कि जो लैक ऑफ रिसोर्स थे नई रियासत के पास जो भी एक वीक और नौजायदा रियासत थी उसको रन करने के लिए जो मैन रिक्वायर्ड थी जो इकनॉमिक रिसोर्स चाहिए थे वो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे फिर उसके उसका जो नतीजा आया वो ये था कि जो आ, दस्तूर साजी का अमल था वो भी डिले हो गया एंड डिलेड कॉन्स्टिट्यूशन दैट कॉज सीरियस इम्प्लिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इस्टबलिशिंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स ने पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर इंटरवीन किया और फिर उन फोरसेज़ की वजह से ये सारे जो मिसाइल थे जो फर्दर स्ट्रेंथन होते चले गए और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम ख़ास तौर पर उन लोगों के हाथ में था जो ख़ुद रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड लोग नहीं थे फिर उसके बाद कुछ सेगमेंट जो रिलीजियस सेगमेंट्स थे उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया और पाकिस्तान के अंदर अन कुछ ऐसी डिबेट्स को लॉन्च किया गया कि जो इलीवेंट भी थी क्योंकि उनका फ़ैसला क्या हमें पाकिस्तान से पहले भी हो चुका था कि पाकिस्तान में किस तर्ज का निज़ाम जो है वो होना चाहिए ख़ास तौर पर कैद अजम मोहम्मद अली जना के जो इर्शादात थे उन्होंने टाइम बाई टाइम ख़ुद बहुत सारे मौाक़े पर यह डिबेट की और बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो रिप्रजेंटिव होना चाहिए और जिसकी बुनियाद जस्टिस एंड टॉलरेंस पर होनी चाहिए यानी जब निज़ाम की खसूसियात पर उन्होंने वाजे कर दिया तो फिर उसके बाद इन मसाइल पर डिबेट की गुंजाइश नहीं रहती थी लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ एलिमेंट्स ने इन ईशूज़ पर डिबेट जो है वो की अब इस सारी सूरत हाल के अंदर द कॉन्ट्रोडिक्टी एंड अन डेमोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ पोलिटिकल एलिट एक्चुअली इट परफॉर्म्स अ वेरी सीरियस ईशू इन इस्टेबलिशिंग अ डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम क्योंकि जब अन डेमोक्रेटिक बिहेवियर होगा बाय द एलीट पॉलिटिकल एलीट तो देन डेफिनेटली जो डेमोक्रेसी की बेसिक रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर वो इस्टेब्लिश नहीं होगा तो डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है फिर ऐसे ही जो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ रहा पाकिस्तान के केस में उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन की बजाय अपने फोकस्ड किया अपने अपने मफादा की ऊपर और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी की एक सक्सेस स्टोरी जो क्या मैं पाकिस्तान के वक्त जिसकी वजह से पाकिस्तान का क्या मुमकिन हुआ वो बाद में हमें प्रैक्टिस होती हुई नज़र नहीं आती लेकिन इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ लेजिस्चर ने दस्तूर बनाया और फिर अब इसके बाद पाकिस्तान के अंदर रेगुलर इलेक्शंस की वजह से कांस्टेंट जो रिप्रेजेंटेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है उससे उम्मीद ये की जा सकती है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कल्चर होगा और उसमें जो डेमोक्रेसी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस ज़रूर मौजूद हैं